आज के दिन की स्टार्टिंग ना बहुत ही ज्यादा बुरी हुई है। अरे उठा ले चलो, आओ उठा ले चले। फिलहाल जो है सत्यनारायण की कथा पहले होगी, उसके बाद हवन। हमने बाइक पे देखा कि बाइक ना हमारी भाई साहब टूटी हुई है, ये हिस्सा डैमेज हुआ। रिपेयरिंग किया सही कराने के लिए। अरे हमारी गलती थोड़ी, ऐसा कुछ बताओ, इसमें मेरी कहाँ गलती है। तो बताओ, प्यारा सा नाम उसको भी खरोश दिया यार। मम्मी से डांट पड़ती है गुनगुन को, कह रही बहुत ही ज्यादा नीच हो गई हो तुम, नीच पर्सन। अब काला सांड आपको बहुत कम ही दिखा करेगा। सो हे गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू द व्लॉग। बजने जा रहा है 12:30, गुनगुन की छुट्टी होने वाली है, अभी हम गुनगुन को लेने के लिए जा रहे हैं। और आज के दिन की स्टार्टिंग ना बहुत ही ज़्यादा बुरी हुई है, बिकॉज आज जब सुबह हम नानी को खाना देने जा रहे थे ना, तब हमने बाइक निकाली और हमने बाइक पे देखा कि बाइक ना हमारी भाई साहब टूटी हुई है। ये जो अभी हमारी बाइक ठुकी थी ना, उस लड़की ने आके ठोकी थी, तब तो मैंने देखा, तब तो भाई कुछ पता नहीं चला। लेकिन आज सुबह मैं ऐसे पीछे की तरफ से गाड़ी निकालने जा रहा था कि मैंने देखा कि ये जो है भाई साहब, ये हिस्सा डैमेज हुआ। वही तो मेरे को अब याद आया कि जब उसने स्कूटी ठोकी थी ना, वो इधर साइड से ठोकी थी, तो उसका जो हिस्सा है ये इसमें लड़ा था और ये गाड़ी पूरी पूरी पलट गई थी। भाई साहब ये अपना इतना हिस्सा डैमेज हो गया भाई, बहुत ही बुरा डैमेज हुआ है। बट अब पता नहीं ये कितने में सही होगा, कैसे ही होगा। तो अभी हम शोरूम जाएंगे, इसके बारे में हम पता करेंगे कि ये कितने तक में सही होगा। एंड बाइक की ना हमें अपनी सर्विसिंग भी करानी है, अब तक इसकी 2 सर्विसिंग हो चुकी हैं, अब इसकी 3rd सर्विसिंग करानी है, जो कि होती है 5000 किलोमीटर पे। तो बाइक हमारी 5000 किलोमीटर भी चल चुकी है और इसको भी दिखाएंगे। और यह सच बता रहे, बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। मतलब जब आपकी गलती ना हो, आपकी बाइक नॉर्मली खड़ी हो, कोई ऐसे आके ठोक देना, सच बता रहे बड़ा बुरा लगता है। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मैं बाइक पहले चला नहीं पाता था, लेकिन उसके बाद अभी 4-5 महीने से आप लोग देख रहे होंगे मैं बाइक सीधे रोड पे चलाने लगा, क्योंकि मेरे को बाइक थोड़ी बहुत पहले से आती थी और फिर नॉर्मली मैं चलाने लगा। मेरे से आज तक कभी नहीं ठुकी, ना कभी गिरी, ना कुछ हुआ। बट किसी और की वजह से आपकी बाइक में नुकसान होता है ना, तो यार बड़ा दुख लगता है। बट क्या कर सकते हैं, वो भी जो जोश में आई उसने बूम करके कर दिया काम तमाम। हंसना भी आ रहा है, रोना भी आ रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा क्या करा जाए। मम्मी, ओ मम्मी क्या किया जाए, रुपए देंगी आप सही कराने के लिए। अरे हमारी गलती थोड़ी, ऐसा कुछ बताओ, इसमें मेरी कहाँ गलती है। रुपए देंगी नहीं देंगी आप, साइड से खड़ी करें। अरे मम्मी कसम से, कतई साइड में खड़ी थी, उसने बूम खींच के घुस गई, वो क्या करें अब हम। लाल ज्यादा खर्चा तो नहीं आएगा, बाकी देखते हैं सर्विसिंग कराएंगे और बाकी सेविंग्स है हमारे पास गाइस, सेविंग्स खर्च करी जाएंगी। अब इसमें दिल यहाँ लगती है गाइस, यहाँ भाई हम बड़ा खुश थे, हमें लगा कि चलो गिर गई कोई बात नहीं, जो हमारी बाइक को कुछ नहीं नुकसान हुआ। बट यहाँ तो बहुत ही बड़ा पोपट हो गया, बहुत ही बड़ा। मतलब ये क्रैक ना यार, बहुत ही बड़ा क्रैक है। तो देखो, शायद मेरे को लग रहा है इतना हिस्सा इसका बदलेगा, ये जो पूरा होता है। इंडिकेटर तो अपने सही है, तो देखेंगे भाई साहब क्या होगा यार। फाइनली भैया गुनगुन दीदी को हम ले आए हैं इनके स्कूल से, और साथ में हम ले आए हैं एक ये बड़ा वाला फेविकोल। एक्चुअली तब तक ना हम सोच रहे हैं इसको ऐसे चिपका दे, वरना ये कहीं पूरा ना अलग हो जाए। ये बहुत ही मजबूत वाला है, मतलब बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएगा। मैंने अभी करके देखा तो ये देखो पूरा, मतलब लगेगा ही नहीं टूटा हुआ है। तो इसे एक बार अच्छे से चिपका देते हैं, तो तब तक के लिए मतलब हो जाएगा। बाकी अभी सर्विसिंग कराएंगे 3-4 दिन में, तब पूछेंगे, अगर सस्ता लगेगा तो लगवा लेंगे, वरना महंगा लगेगा तो क्या ही लगाएंगे, वरना पूरा चिपक ही जाएगा। देखो जैसे टूटा फर्क ही नहीं पता चलेगा, बिल्कुल मजबूत वाला ये होता है, तो चलो उसे चिपका लेते हैं। और अब मैंने एक चीज़ और सोची है कि इसकी सर्विसिंग कराने के बाद ना मैं इस बाइक को नहीं छूँगा, मैं बिल्कुल नहीं छूँगा इसको, कर दूंगा खड़ा। और जो हमारी पुरानी वाली बाइक है ना, अब वही ले जाया करेंगे, कहीं जाना नहीं होता है, बस कोचिंग जाना होता है, स्कूल जाना होता है, तो वही पुरानी वाली रिस से ले जाएंगे। वो माइलेज भी अच्छा देती है और उसमें कुछ खराब भी नहीं होने वाला। इसको रखेंगे खड़ा, जब कहीं बाहर आर दूर जाना होगा, लाइक शाहजहांपुर, फरुखाबाद या कहीं दूर की ट्रिप होंगी ना, तभी ले जाया करेंगे। काहे चिल्ला रहे हो भाई, किस पे चिल्ला रहे हो, एनी पे? अच्छा गंदगी से क्या ही होंगी, ताला वाला से तभी। तो बस सर्विसिंग करने के बाद इसको मैं खड़ी कर दूंगा। अब काला सांड आपको बहुत कम ही दिखा करेगा। सैड लाइफ गाइस, सैड लाइफ। मतलब इस बेचारे की क्या गलती थी, इसके साथ ये हुआ, इस बेचारे की क्या गलती थी, बेचारा ऐसे साइड में खड़ा रहता है, बट क्या बताएं। इसको तो हमने फेविक्विक से चिपका लिया और अब बहुत ही मजबूत, मतलब चिपक गया है, पता भी नहीं चल रहा है, लिटरली टूटा हुआ है। पर अभी ना मैंने एक चीज़ और देखी, उसने ना ऐसे करके स्कूटी उसकी ठुकी थी, तो ये टूटा था। और साथ में ये देखें, ये जो तनिष्क मिश्रा लिखा हुआ था ना, इस पे भी रगड़ आई है, हमारा पूरा ये RA चला गया, और ये जो मेरी फोटो लगी थी ना, इस पे भी पूरी रगड़ आई है भाई। ये सब चीज़ें मेरे को तब नहीं दिखी, अब ये सब दिख रहा है, क्योंकि अब मैं बहुत ही ध्यान से देख रहा हूँ। तो बस ये टूटा था और ये पूरा स्क्रैच लगा भाई साहब। ये देखो हमारा इतना हिस्सा पूरा गायब हो गया यार, खराब हो रहा है मेरा, मैं सही बता रहा यार, अच्छा खासा नुकसान कर गई यार वो लड़की। एक लड़के को ना सही बता रहे, बाइक से अपनी बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है, और जब ऐसी सब चीज़ें होती है ना, दिमाग खराब होता है। मैं लिटरली अब देखना इस बाइक को खड़ा कर दूंगा सर्विसिंग करने के बाद, मैं नहीं छूँगा इसे, मैं छूँगा ही नहीं, मैं रख दूंगा इसे, बस ये खड़ी रहेगी, इसे सर्विसिंग करा के पूरा नया नवेला कर देंगे इसे, फिर नहीं छूने वाला इसे मैं जल्दी, ठीक है। मतलब बताओ, प्यारा सा नाम उसको भी खरोच दिया यार, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। गाइस घर तो आ गए, खाना पीना खाया, उसके बाद चली गई है लाइट, अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और गुनगुन दीदी ने हमें खुशखबरी दी है।
कि ये आज बना दी गई है मॉनिटर क्लास की, आज बनाई गई है। देखो लग कैसी रही है, बूढ़ी बाल देखो कहाँ पे जा रहे हैं। और फिलहाल आज है हमारे घर में, अभी थोड़ी देर में हवन हवन होगा, अभी तो सब लोग सो रहे हैं, शायद कन्या ने भी खिलाई जाएंगे, कन्या का तो पता नहीं, बट हाँ हवन आज होगा। रामायण जो थी वो समाप्त हो चुकी है, तो हवन की सारी सामग्री वामग्री जितना भी सब सामान था वो सब आ चुका है, हवन के लकड़ियाँ लानी बची हैं, तो अभी हम जाएंगे लकड़ी के ठेके पर, वहाँ से लेके आएंगे आम की लकड़ियाँ हवन के लिए। मामा और बासुदा जब आ जाएंगे ना तब किया जाएगा हवन। जैसे क्या घुस के फोन में देख रही हैं आप, क्या कर रही हैं आप, आज मॉनिटर बन गई है भाई साहब, खुशी बहुत है। वो पहले भी बने थे। हाँ तो चलो चलो, जितना तुम मॉनिटर बनी हो ना उससे ज्यादा बन चुके हैं मॉनिटर। तो छोटे हम पहले नर्सरी से लेकर, नर्सरी तो नहीं फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक बने थे। अरे जाओ, मॉनिटर का कोई काम नहीं था, मॉनिटर सबसे बेकार काम होता है, ये करो वो करो, सबके नाखून चेक करो, खुद के मतलब आराम से जिंदगी भी ना जी पाओ। तमीज नामक चीज नहीं। फिलहाल यहाँ पे काफी सारे बादल हो चुके हैं, धूप गई है चली, और यहाँ पे मम्मी से डांट पिटती हुई गुनगुन को कह रही बहुत ही ज्यादा नीच हो गई हो तुम, नीच पर्सन। अरे भाई ऐसी डांट पिटती ना मैं ब्लॉग में नहीं दिखा सकता, मतलब दिखा छोड़ो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता जब मेरी डांट पिटती है किन खूबसूरत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो शब्द इतने खूबसूरत होते हैं, इतने खूबसूरत वो शब्द होते हैं, सुगंधित, इतनी अच्छी उनमें से सुगंध आती है ना, वो शब्द आप लोग सुनेंगे आप लोग पक्का मर जाएंगे, ऐसे शब्द होते हैं, इसीलिए नहीं दिखाता हूँ गाइस, नहीं वरना तुम लोग बोलोगे कोई इज्जत ही नहीं है भाई साहब इसकी। हाँ तो अभी ला रहे, अभी मामा तो आ जाए, उठ गए, चलो उठो, चलो जाओ, चलो जाके जाओ, बहुत देर हो गई। आज भाई साहब पता ही कहीं ताला वाला में गई होगी, सुबह पक्षी मरा हुआ था उठा लाई भाई, पक्षी मरा हुआ उठा लाई, यहाँ पे रख के खा रही सबका, इस पे दिमाग खराब हो गया। क्या 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 लेके आई थी तुम, है क्या लेके आई, इसे इतना समझाते हैं ये समझती ही नहीं है, पर धीरे धीरे समझ जाएगी, बड़ी हो जाएगी। देखो यार वैसे भी जो डॉग शॉक्स होते हैं ना उन्हें यही सब चीज़ को पसंद होती, भगवान ने इन्हें बनाया इसीलिए, तो जब वो इंसान मरे हुए खा सकते हैं तो फिर बाकी हम क्या ही बताएं। पर इसको ना अब हम लोग कुछ नहीं, इसको ना हम लोग बांध के रखेंगे, बिकॉज ऐसे ना तालाब में जाती है बहुत ज़्यादा गंदगी खाती है, तबीयत खराब हो जानी है इसकी, तब इसे बांध के रखा जाएगा। ये देखो लाड़, देखिए लाड़ बहुत करती है, व्लॉग करेंगे, चलो अच्छा हाँ, इनके हाथ से पकड़ा है ऐसे, ये देखो रुको, तो नहीं ऐसे ऐसे नहीं, तो गाइस मैं अभी जम्मू हाई ले रहा हूँ और मेरे दांत देखिए गाइस कितने बड़े हैं, अंदर से डांट पिटने लगी है मम्मी, अंदर से बोल रही कंजड़ो तो रहा, हमें बोल रहा है सोने नहीं दे रहा, तो करते हैं अभी व्लॉग रोकते हैं, जब सब जग जाएंगे तब व्लॉग की स्टार्टिंग करेंगे। ये देखिए, अरे बकवास ना करो, हटा दो वो नाली, हो जा रही क्या नाली में, मक्खी इतना नहीं हिला, नहीं हिल गई बात नहीं। और बताइए क्या हाल चाल, शूट हुआ होगा तो बताएंगे, ऐसे ना मेरा क्या हाल चाल, अरे 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 तो घर में ना सब लोग धीरे धीरे करके उठ रहे हैं, और जो हमारा हवन होगा वो होगा यहीं पे भोले बाबा जी के पास, तो यहाँ से गाड़ी आड़ी निकाले दे रहे हैं ये वाली भी, क्योंकि अभी ये जगह साफ ऑफ करी जाएगी, और हम लेने के लिए जा रहे हैं लकड़ी, भाई लकड़ी की ठेके पहुँच चुके हैं, यहाँ हमें मिलेगी आम की लकड़ी, जहाँ तक ये सब जो लगी हुई आम की है, कोई है ना इधर, हो अंदर होंगे घर में, बुलाओ है लकड़ी लेनी है, अरे उठा ले, चलो आओ उठा ले चले यार, के भैया जा रहे हैं भाई, टाटा भैया, आम की क्या रेट चल रही लकड़ी, 20 रुपए किलो, भाई महंगी हो गई 20 रुपए किलो, पहले तो हमें लगता 5-6-7 रुपए की मिलती थी ना, 5 रुपए की, तो 20 रुपए किलो भाई 1-1.5 साल में इतनी महंगी, भाई रेट समझ रहे हो। हम लोगों ने ले तो ली 2 किलो लकड़ी, लेकिन हमें लग रहा है कहीं कम ना पड़ जाए, लकड़ी लेके घर पहुंचे और भी थोड़ा बहुत सामान लेके घर पहुंचे कि यहाँ पे देखो पूरी पूजा की तैयारी भी होने लगी है। एक्चुअली रामायण जो समाप्त हुई उसके लिए हवन तो हो गई होगा, एंड साथ में आ जाए सत्यनारायण की कथा भी, तो अपने यहाँ 2 चीजें, हवन भी है और सत्यनारायण की कथा भी है। देखो जो घर में प्रसाद बनेगा वो बनेगा खीर का प्रसाद, तो वही मखाने किशमिश काजू जो लेने गए थे, दूध के पैकेट लेने गए थे, बट ना ही दूध के पैकेट मिले ना ही काजू मिले, तो वो मार्केट लेने के लिए जा रहे हैं दूध के पैकेट काजू, और साथ में मिठाई भी लेके आएंगे जो भगवान के पास प्रसाद में चढ़ेगा। यहाँ पे भाभी बीन रही है चावल खीर बनाने के लिए, मामा जी यहाँ पे मस्ता नहा रहे हैं, छोटी भाभी यहाँ पे बर्तन धुल रही हैं। हम चले सारा सामान लेने के लिए, 1 घंटे के अंदर सब कुछ चालू हो जाएगा। एक्चुअली अभी ना रामायण जो है पूरी समाप्त नहीं हुई है, कुछ 3-4 पेजेस बचे हुए हैं, 3-4 के अंदर समझ लो भी आधे घंटे की बची हुई है, तो वो पढ़ी जाएगी, उसके बाद जहाँ तक होगा वो क्या बोलते हैं सत्यनारायण की कथा, फिर होगा हवन, मेरे को कुछ नहीं पता। फिलहाल जो है हमें जो काम मिला है हम वो सारे करके आते हैं जल्दी से। तो यार खीर वाला जो सामान है ना वो अपने घर की पड़ोस वाली दुकान से लिया जाता है, बिकॉज खीर बनने में लेट हो जाएगा ना।
यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ काजू मिले, दूध मिल ही नहीं रहा आज भाई। हर जगह दूध खत्म हो रखा है, बिकॉज आज त्यौहार है ना, हर घर में खीर बन रही है। तो यार दूध और काजू लेके घर पहुँच चुके हैं, और ये जो आखिरी की रामायण बची हुई ना वो पढ़ रही है दीदी हमारे यहाँ पे बैठ के। कुछ ऑलमोस्टली मेरे को लग रहा है यही 10-12 पेजेस तो बचे हुए हैं, तो वो 1.5 घंटे या 2 घंटे में हो ही जाएंगे। पर फिलहाल हम निकालते हैं दूध और काजू, बिकॉज आज बहुत ही ज़्यादा भड़बड़ मची हुई है। मैंने अपनी दोनों कोचिंगें भी छोड़ दी हैं, और स्कूल की तो आज थी छुट्टी, बिकॉज आज वो थी क्या बोलते हैं बुद्ध पूर्णिमा। बाकी ये सब सामान देते हैं, ये लीजिए, यहाँ पे भाभी जी जोरों शोरों से खीर बनाने में लगी हुई है। अब बस बचा हुआ है मिठाई लाने को। मिठाई में मैं सोच रहा हूँ बेसन के लड्डू ले आते हैं, प्रसाद ले लेते हैं, प्रसाद मिलेंगे बेसन के लड्डू। और भाई यहाँ पे जो टेस्टी छोले समोसे मिलते हैं ना, उनका जवाब नहीं है, अभी समोसे रखे नहीं हुए यहाँ पे। ये समोसे का समोसे भी आ गया, पर हमें ये नहीं खाने हैं। भाई प्रसाद हमने ले लिया, पर एक व्यक्ति जो था छोले समोसे खा रहा था, उसने देखो मेरी शर्ट की हालत क्या कर दी, उसने भाई छोले समोसे गिरा दिया। पर हम नहीं खा पाए यार, बड़ा मन हो रहा है छोले समोसे खाने का, बट नहीं गाइस हम हेल्दी चीजें खाएंगे। और मैं आपको कोशिश दिखाता हूँ, आपको जो है भगवे रंग में कावड़ यात्री दिखने लगे होंगे, बिकॉज कल से जो है श्रावण शुरू होने वाला है। भाई साहब वो देखो पूरा एक ट्रक है आगे, उससे सब लोग उतर रहे हैं, और इधर भी काफी सारे यार देखो कावड़ यात्री बैठे हुए हैं मंदिर के बाहर। तो भाई साहब अपना हमारी रोडों पे भयंकर सीन होने वाला है, खूब कावड़ यात्री निकला करेंगे। यार फाइनली हम सामान लेके घर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे ना मतलब वो जो रामायण गुनगुन कर रही थी वो समाप्त हो चुकी है। फिलहाल जो है सत्यनारायण की कथा पहले होगी, उसके बाद हवन होगा। तो एक बार हम भी फ्रेश हो लेते हैं, ऐसे गंदे गंदे तो बैठेंगे, हम भी नहा धो लेते हैं फिर कथा सुनेंगे सभी लोग बैठ के। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब।